युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के आह्वान पर युवा दिवस पर आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को जागो युवा जागो थीम पर मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मनावर विधानसभा के उमरबन ब्लॉक के बाकानेर में मनाया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष मलखान सिंह पटेल ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर उनके विचार प्रस्तुत किए। किस प्रकार 11 सितंबर 1893 में शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में धर्म निरपेक्षता पर अपने विचार प्रकट किए कि हमारे देश में धर्म के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है और हर धर्म को बराबर मानने का युवाओं को संकल्प दिलाया। पटेल ने कहा कि किस प्रकार आज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आज हर युवा को किसी भी चुनौती से डटकर मुकाबला करने का संकल्प दिलाया। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। ये आपका परिचय। मलखान सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस धार। आज आपकी पूरी टीम के द्वारा क्या आयोजन किया गया स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती? आज युवा जागो युवा जागो प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस के आह्वान पर डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा जागो युवा के थीम पर आज हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत रहे हैं युवाओं के, आपने अभी जो कार्यक्रम के अंतर्गत उद्बोधन दिया था, आपकी क्या विचारधारा है विवेकानंद जी और युवाओं के लिए? पहली बात, मैं 197वीं उनकी जन्म जयंती की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ मेरी टीम सहित। और रही बात आदर्श की, तो युवाओं लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े आदर्श हैं और मैं भी उनको मेरे आदर्श एवं गुरु मानता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।